दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से आप किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप किसी भी बाइनरी नंबर को आप उसका डेसिमल नंबर निकाल सकते हैं। दोस्तों यहां पर मैंने दो एग्जांपल्स लिए हैं, इन दोनों एग्जांपल के माध्यम से चलिए समझते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि किसी भी जो बाइनरी नंबर होती है उसका जो बेस होता है वो होता है 2। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका जो बाइनरी नंबर है, ठीक है, उसका जो बेस है वो है 2 और डेसिमल का बेस होता है 10। आप इस एग्जांपल में भी देख सकते हैं यहाँ पर 2 और यहाँ पर 10 लिखा गया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम सीखते हैं कि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने की जो क्वेश्चन होते हैं उसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर स्टार्टिंग लेटर क्या है, 1 है, सेकंड क्या है, 1 है, 0 1 0, ये हमारा बाइनरी नंबर है, इसको हमको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर 1 को लिखना पड़ेगा, उसके बाद 2 लिखना पड़ेगा। 2 इसलिए लिखा जाएगा क्योंकि इस बाइनरी नंबर की जो बेस है वो 2 है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सेकंड में देख पा रहे हैं 1 है उसका, फिर आपको 2 करना पड़ेगा, ठीक है, फिर आपके यहाँ प्लस लगाना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर 0 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ प्लस लगाना पड़ेगा, फिर 1 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर प्लस लगाना पड़ेगा, ठीक है, और लास्ट में क्या है अपना 0 है, ठीक है, उसको हम फिर से क्या कर देंगे, जो बाइनरी नंबर की बेस है उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर हमने 0 × 2 किया, ठीक है। इतना कर लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 0 डालना है, ठीक है, इसके जो बेस है उसमें स्टार्टिंग 0 से करना है। यहाँ पर हमने 0 डाल दिया, उसका 1 डाला, इसके बाद 2 डाला, इसका 3 डाला, इसके बाद हमने यहाँ पर 4 कर दिया। इसकी जो बेस है उसमें हमने क्या किया, 0 1 2 3 4, ठीक है, इतना कर लेना है दोस्तों। उसका दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1 × 2 करेंगे, ठीक है, तब क्या आएगा, ये 2 आएगा, ठीक है, और इसका बेस, इसका जो घात है वो 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 × 2 2 आएगा, ठीक है, और इसका जो घात है वो 3 आ जाएगा। उसके बाद हम प्लस लगा देंगे, यहाँ पर 0 × 2 करोगे तो 0 आएगा, क्योंकि हम किसी भी 0 के साथ किसी भी डिजिट का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा 0 आता है, ठीक है, हमने यहाँ पर 0 कर दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आएगा, और इसका जो घात लगेगा वो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमेशा एक चीज याद रखना, जो 2 है, ठीक है, उसका जो घात 0 है उसका वैल्यू होता है 1, ठीक है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर 0 × 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 ही होगा, क्योंकि सामने पर 0 है, हम 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये याद रखने वाली चीज़ है, इसको याद रखना, जिसमें 2 का घात 0 रहता है उसका वैल्यू 1 होता है, बट यहाँ पर जो सामने 0 है हम 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको ये 0 अलग छोड़ भी सकते हो, कोई मतलब नहीं है उसको सॉल्व करने से। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 का घात 4 है तो हम इसको 4 बार गुणा कर देंगे, ठीक है, उसका प्लस लगा दिया, 2 का घात 3 है तो यहाँ पर हम 3 बार कर देंगे, ठीक है, अभी 0 का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, ये 2 का घात 1 है प्लस 2 कर देंगे, ठीक है, और इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, 2 2 3 4 4 2 8 8 2 16 आया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, प्लस का चिन्ह लगा देना है, 2 2 3 4 और यहाँ पर 8 आ गया, ठीक है, प्लस का प्लस लगेगा और ये 2, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं 16 8 और 2 है, 16 और 8 को अगर हम जोड़ देंगे तो 24 आएगा, और इसमें हम 2 ऐड कर देंगे तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा, ठीक है, अर्थात इस बाइनरी नंबर का जो डेसिमल नंबर होगा वो क्या होगा, 26 होगा, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप किसी भी संख्या को, अगर इस तरह के जो डिजिट रहेंगे उसको आप बड़े आसानी से बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। चलिए दोस्तों अब हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें 1 0
उसके बाद पॉइंट लगा है, ठीक है। इसमें एक डिफरेंट ये देखने को मिलेगा कि इसमें आपको पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको किस प्रकार से हम बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों वही प्रोसेस अपनाना है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, वन दिख रहा है, ठीक है। वन का गुणा किससे करोगे, टू से करोगे, ठीक है, क्योंकि इसका बेस टू है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्लस करना है, प्लस लगाना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है, जीरो है, जीरो का गुणा किससे करोगे, टू से, ठीक है। ये हो गया वन जीरो, उसके बाद पॉइंट वाला को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पॉइंट वाला को अपन क्या करना पड़ेगा, इसको भी सेम वही करना पड़ेगा, वन गुणी टू, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्या है, वन है, फिर इसको भी हमने क्या कर दिया, वन गुणी टू, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस जीरो गुणित टू, ठीक है। इतना काम कंप्लीट, इतना कर लिए। अब दोस्तों देखो यहाँ पर वन और जीरो है, ठीक है, वन और जीरो है, उसके बाद क्या लगा है, पॉइंट लगा है, ठीक है। यहाँ पर हमने वन लिख दिया, उसका जो बेस था टू कर दिया, इसी प्रकार जीरो था, ठीक है, जीरो लिखा, उसका बेस टू कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर हम जीरो लगा देंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम एक कर देंगे। अब दोस्तों इधर क्या होगा, इसका जो बेस है उसमें क्या होगा, यहाँ पर आपको माइनस वन करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस टू करना पड़ेगा, और यहाँ पर माइनस थ्री कर लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जो पॉइंट के बाद जो डिजिट आते हैं जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, पॉइंट के बाद, तो उसका स्टार्टिंग माइनस वन से होता है, ठीक है, माइनस वन, माइनस टू, और ये माइनस थ्री, इसी तरह से कंटिन्यू होता है। तो चलिए दोस्तों इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ वन गुणी टू, एक का गुणा हम दो से करेंगे तो दो आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने दो लिख दिया, इसका वैल्यू टू का घात जीरो का जो वैल्यू है वो एक हो जाता है, बट यहाँ पर जीरो है इसलिए इसका जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। अब चलिए दोस्तों आगे, फिर हमने प्लस लगा दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, दो की घात माइनस एक है, ठीक है, दो की घात माइनस एक है, तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर वन इंटू टू है तो यहाँ पर टू लिखेंगे और यहां पर माइनस वन कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट वन इंटू टू, ठीक है, तो यहां टू आएगा, माइनस टू आ जाएगा, और जीरो इंटू टू, इसका कोई वैल्यू नहीं है, जीरो ही आएगा, ठीक है। तो इसने इसमें हमने जीरो लगा दिया, ठीक है, तो इसको नहीं लिखने से भी चल जाएगा। उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहां देखिए दो का घात एक है, ठीक है, और ये जीरो का तो कोई वैल्यू है नहीं। तो चलिए दोस्तों अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, आप चाहे तो जीरो वाला वैल्यू को छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर दो की घात एक है तो हमने यहाँ पर दो का घात एक होने के कारण दो लिख दिया, यहाँ पर जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, अगर लिखना चाहे तो आप लिख भी सकते हो। दोस्तों अब आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपका जो, ठीक है, अगर आपका जो यहाँ पर बेस टू है उसके ऊपर में जो माइनस वन का घातांक लगा है या माइनस वन लगा है तो आपको इसको प्लस में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा, वन बाई टू बटे वन बाई टू की घात वन, ठीक है। ये इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इसको माइनस वन को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए लिखा जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ आप इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से, ठीक है, और ये जीरो का जीरो होगा, ठीक। तो चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर टू का टू, जीरो का जीरो, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका एक बटे दो की घात एक, तो इसका जो अगर गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वन बाई टू हो जाएगा, इसी प्रकार से यहाँ वन बाई फोर आ जाएगा और ये जीरो आ जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो आगे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम दो का भाग देंगे, दो का भाग देंगे दस से, तब क्या आएगा, चलिए इधर करते हैं, दो का भाग देते हैं दस से, ठीक है, क्योंकि यहाँ दस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा शून्य पॉइंट फाइव, ठीक है, शून्य पॉइंट फाइव, शून्य पॉइंट फाइव, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम चार को भाग देंगे किससे, दस से, तो ये क्या हो जाएगा, शून्य पॉइंट चार दुनिया आठ, चार पंचे
0.25। इसका आंसर क्या है 0.5 और ये 0.25। तो चलिए दोस्त इसको हम ऐड कर देते हैं 0.5 और 0.25। तो इसका जो अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 2 प्लस 0.75। ठीक है, अब इसको अगर हम ऐड करेंगे 2 प्लस 0.75 को तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2.75। ठीक है, ये इसका डेसिमल होगा, इस बाइनरी नंबर का डेसिमल क्या होगा 2.75। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप किसी भी संख्या को, किसी भी बाइनरी नंबर को आप बड़े आसानी से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ वीडियो कैसे लगा, अगर वीडियो पसंद आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करिए। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।